स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्कूल चैनल. आई एम मिसेस राधिका सोनवलकर, यूर BST टीचर. टिल नाउ वी हैव कम इन माई वीडियोज वी हैव कम्प्लीटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फियोल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ बाय द टेलर्स. नाउ इन दिस बिफोर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइंटिफिक टेक्निक्स बाय टेलर, आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट अबाउट द वीडियोज. Till now we have completed our scientific principles of management. Now we are on the scientific techniques. These are the techniques given by F.W. Taylor. By proper studying it again and again, applying it in the organization, in the company in which he was working, he has studied it. He is giving scientific view to scientific solution for every management problem. He is giving scientific solution for every management problem. I have already told you कि उसने कहा है कि हर चीज़ में आप साइंस देखो एंड अकॉर्डिंग टू इट आप सब चीज़ों को एडजस्ट करो. नाउ वॉट आर द साइंटिफिक टेक्निक्स. आई हैव रिटन द फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक ऑन द बोर्ड दैट इज फंक्शनल फोर मैनशिप. वन बाय वन वी विल गो फर्दर इन दिस साइंटिफिक टेक्निक्स. इन फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक ही इज सेइंग दैट in this technique, Taylor suggests division of factory in two department, that one is planning department and another one is production department. As Taylor felt that worker must be free from the burden of planning, they must concentrate on work and production. To develop specialization in productivity, Taylor suggested under each department there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the worker. Now come to this diagram. According to F.W. Taylor, he is saying that divide the factory into two department. First one is planning department, second one is production department. In planning department, the head is called as planning in charge, and in production department, the head will be called as production in charge. He is saying that for easy conduction of the work, we should divide the particular department into four parts. Again, he is dividing it. Planning. One thing he is saying that keeping the workers, those who are performing work, make them free from planning work. जिनको काम करना है उनको कोई चीज़ प्लान नहीं करनी. ये काम कौन करेगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट. एज यू आर नोइंग कि प्लानिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. वी हैव टू think about future, we have to decide about future by our past experience. बहुत सारे research and developments, research वगैरह का work होता है, studies करनी पड़ती है. On the basis of that the planning and the objective is decided. तो he is saying ये जो mental work है इसको workers से आप दूर रखिए. ठीक है, now come to this. He is saying planning in charge, planning department को हमें four part में divide करना है. फर्स्ट वन इज रूट क्लर्क, सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, लास्ट वन इज डिसिप्लिनेरियन. एंड इन प्रोडक्शन इंचार्ज इट इज डिवाइडेड अगेन इनटू फोर बॉसेस शुड बी देयर अंडर इट. गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉक्स एंड बॉस एंड लास्ट वन इज इंस्पेक्टर. उसने ऐसा क्यों किया? सी, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अवर हेनरी फियोल, उन्होंने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड शुड कम फ्रॉम वन. और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपके बॉस अलग अलग होना चाहिए. यहाँ पे उन्होंने 8 बॉस दे दिए हैं. तो दिस प्रिंसिपल इज अपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल. इन्होंने कहा है कि हर फंक्शन अलग अलग होता है और उस पर्टिकुलर फंक्शन में उस चीज़ का एक्सपर्ट काम करना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा. ही सेइंग एज वन फोरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एक्सपेक्ट. अगर कोई भी एक फोरमैन है वो हर चीज़ों में सारे चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं, तो वो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उस चीज़ में रखा जाए. टेलर सजेस्टेड मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट एंड फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर्स टू द वर्कर. सी, 8 स्पेशलिस्ट एंड और 8 सुपरवाइजर्स टू गिव ऑर्डर टू द वर्कर. सी, इन दिस डायग्राम आई हैव मेड दिस 4 हियर इन प्लानिंग एंड दिस 4 इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और ये यहाँ के 4 वर्कर्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ के 4 वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में. तो जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल था वो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है. वहाँ पे एक ही जन कमांड करने वाला था. अकॉर्डिंग टू हिम टेलर, इफ
वन पर्सन इज स्पेशलाइज इन वन वर्क, वन फोरमैन इज स्पेशलाइज इन हिज वर्क, तो वो सिर्फ उसी काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस वर्कर को देगा, दूसरे काम के लिए अलग बॉस होना चाहिए. नाउ वी विल कम इन डिटेल कि व्हाट दिस बॉसेस एंड व्हाट दिस सुपरवाइजर्स आर डूइंग. फर्स्ट इन प्लानिंग इन चार्ज, फर्स्ट वन इज रूट क्लर्क. सी यू हैव टू लर्न बाय हार्ट दिस एट बॉस, दिस एट पर्सन और सुपरवाइजर जो भी आप कहें, और इन लोग का काम क्या है, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर आपको दे देंगे कि ये काम कौन सा बॉस करता है, कौन से प्रिंसिपल्स में से आया है, तो आपको डिटेल में पूरा याद करना है. रूट क्लर्क, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. रूट क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द सीक्वेंस ऑफ एनी जॉब. कोई भी जॉब है उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो रूट क्लर्क डिसाइड करेगा, चाहे वो मैनुअली हो रहा हो चाहे वो मशीन के थ्रू हो रहा हो. नाउ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर. ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर टू कैरी आउट द वर्क. इसने क्या किया, वर्क को सीक्वेंस में डिवाइड किया, इसने जनरल इंस्ट्रक्शन वर्कर को दिए जिसके कारण वो वर्क को कर सके. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट. सी मैनेजमेंट में टाइम और कॉस्ट से रिलेटेड बात आएंगी, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट की बात हम हमेशा मैनेजमेंट में करते हैं. तो ये नेक्स्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स टाइम, मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द टाइम फॉर स्टार्टिंग एनी जॉब एंड कंप्लीशन. आपको जॉब कितने बजे शुरू करना है, किस टाइम पर शुरू करना है, एंड एट वॉट टाइम यू हैव टू कम्प्लीट दैट पर्टिकुलर जॉब. ही ऑल्सो prepares the cost sheet for every job. Time and cost लिखा, he is deciding the time for the job and he is preparing the cost sheet for the job. See what is the cost sheet? In one of the topic cost accounting in you will be going to study in BCom second year. In that cost of everything is written per labor, per unit cost. अगर suppose दिस बोर्ड, ये बोर्ड बन रहा है तो इस बोर्ड को बनाने के लिए लेबर कितना लगा हमें, इस बोर्ड को बनाने के लिए हमें बाकी मटेरियल कितना लगा है, तो पर यूनिट कॉस्ट पता लगाई जाती है कॉस्ट शीट में. कॉस्ट शीट का मेन कॉस्ट एनालिसिस का यही मेन वो होता है. तो ही इज डिसाइडिंग द टाइम फॉर एवरी जॉब एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट. नाउ अगेन वी आर रिवाइजिंग. फर्स्ट वन रूट क्लर्क इज डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क. सेकेंड वन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज गिविंग इंस्ट्रक्शन to the workers, he is giving instruction, general guidelines to the workers. Third one is deciding time for completing and starting and finishing the job, and he is also making the cost sheet. And last one, that is disciplinarian. This is not the last one, but last one in the planning department. Disciplinarian, the foreman is responsible for performance of job in orderly and systematic manner. See, disciplinarian का मतलब वो ही है जो discipline देखता है कि अकॉर्डिंग टू हिम द काम द वर्क इज गोइंग प्रॉपरली, स्मूथली, प्रॉपर शुरू हुआ है, सही टाइम पे खत्म हो रहा है, ऑर्डरली शुरू हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है. और डिसिप्लिन के बारे में आप भी बहुत जानते हैं, तो ही इज मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. नाउ कम टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वॉट दिस फोर सुपर फोरमैन और दिस बॉसेज आर डूइंग. फर्स्ट वन इज गैंग बॉस. गैंग बॉस, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं गैंग बॉस के बारे में. He arranges all the machine, tools and other resources required for performance of the job so that there is no delay. What they have done? इन्होंने sequence decide कर लिया, time decide कर लिया, general guideline दे दी, इन्होंने disciplinary ने proper discipline देख रहे, orderly हो रहा है कि नहीं, systematic हो नहीं रहा. Gang boss क्या करेगा? He will arrange all the machine, tools and whatever resources are, whatever other things are required for the starting the production. We are talking about the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो जो भी प्रोडक्शन के लिए इसको चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको वो असेंबल करेगा. ओके, एंड व्हाई ही इज असेंबलिंग एंड कीपिंग ऑल दिस थिंग्स, सो दैट नो डिले. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, नो डिले. एवरीथिंग शुड स्टार्ट एट अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक मैनर, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस डिसाइडेड, अकॉर्डिंग टू द टाइम ही डिसाइडेड, उस टाइम पर शुरू होना है. तो ही इज अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज. नाउ कम टू स्पीड बॉस. By the name, I think you can understand what he is doing, speed boss. The foreman assures timely completion of the job.
again and again he is watching the time, he is deciding the time, okay, कब शुरू होगा कब खत्म होगा, and he is proper watching the time, complete हो रहा है कि नहीं time पे. I can give you one example, when you are writing your exam in your examination hall, at every interval 1 hour teachers are telling you 1 hour is over, now only 1 hour is left. At last they are saying आधा घंटा बचा है, 15 minutes left, complete your work fast, complete your paper fast. वो पूरे time आपके सर पे खड़े रहेंगे कि नहीं आपको time पे complete करना है. तो some are able to complete their full paper, some are unable to complete, they left some questions of some marks. So वहाँ पे क्या होता है, then what will happen if you are not able to finish your work on time, definitely you will score less marks. आपने question attempt ही नहीं किया तो उसका तो एक भी number आपको नहीं मिलना है. तो स्पीड बॉस वॉट इज ही इज डूइंग, जितना प्रोडक्शन आज के दिन होना था उन लोगों ने उतना किया है कि नहीं किया, ही इज कीपिंग वॉच, ही इज मेंटेनिंग द स्पीड, स्लो नहीं करना है, सही टाइम पे करना है, स्पीड बॉस. नाउ कम टू द रिपेयर बॉक्स बॉस, सॉरी, अगेन बाय द नेम वी कैन अंडरस्टैंड वॉट ही इज डूइंग. ही इज एंश्योरिंग दैट ऑल द मशीन एंड टूल्स अरेंज बाय द गैंग बॉस आर इन स्टिल वर्किंग कंडीशन, एंड इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस, इफ दे आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन, ही इज ट्राइंग टू मेक दैम वर्क प्रॉपरली. वो उसको ठीक करेगा और फिर से काम शुरू करवाएगा. ही इज कीपिंग ऑल द टूल्स एंड मशीन इन वर्किंग कंडीशन, इज दैट क्लियर? गैंग बॉस इज अरेंजिंग द मशीन्स एंड टूल्स, ही इज कीपिंग आई ऑन द टाइम, सही टाइम पर शुरू हुआ कि नहीं हुआ एज डिसाइडेड बाय द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड वॉट ही इज डूइंग, अगर काम करते करते मशीन खराब हो गई, कोई टूल नहीं काम कर रहा है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर, ही विल मेक इट कि वो वर्किंग कंडीशन में रहे. नाउ द लास्ट वन, इंस्पेक्टर, ही इज क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर. आप लोग जब अपने नोट्स बनाते हैं तो यू आर नॉट एबल टू राइट फुल सेंटेंस, समटाइम अ सिंगल वर्ड कैन हेल्प अस टू रिमाइंड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट. इन द फ्रंट ऑफ इंस्पेक्टर यू कैन ओनली राइट क्वालिटी कंट्रोल. तो वॉट द इंस्पेक्टर इज डूइंग, द प्रोडक्शन डन बाय द वर्कर्स, जो प्रोडक्शन वर्कर कर रहे हैं इनके ऊपर नजर रखेगा कि इन लोग अकॉर्डिंग टू क्वालिटी दे आर डूइंग द वर्क और नॉट. ही इज द क्वालिटी चेक, ही इज डूइंग द क्वालिटी चेक. द बॉस कीप्स आई ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट. एक्सक्यूज मी. टेलर एम्फेसाइज्ड दैट व्हेन एवरी फोरमैन इंस्ट्रक्ट द ऑर्डर द वर्कर एफिशिएंटली विल इंप्रूव्स. इनका कहना था जब ये चारों क्लर्क्स फोरमैन सॉरी एंड दिस फोर ये आठों के आठों वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी. एंड व्हाट वी हैव लर्न्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ फेओल, यूनिटी ऑफ कमांड इज रिक्वायर्ड सो दैट वर्कर डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. तो आप दो मेक इट क्लियर व्हेन वी विल गो टू द डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रिंसिपल्स, हमको ये पॉइंट फिर से आएगा. तो ये हियर हियर इन दिस प्रिंसिपल सॉरी साइंटिफिक टेक्निक ही सेड दैट फैक्ट्री शुड बी डिवाइडेड फैक्ट्री अंडर टू डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट शुड हैव फॉर दिस फोर, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड क्लॉस्ट एंड डिसिप्लिनेरियन. एंड दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड हैव गैंग बॉस, फीड बॉक्स, रिपेयर बॉस एंड इंटर इंस्पेक्टर, एंड दे ऑल विल बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स. नाउ फर्दर मूव टू द सेकेंड सेकेंड टेक्निक मैनेजमेंट सॉरी प्रिंसिप फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद नाउ कम टू द सेकेंड टेलर साइंटिफिक टेक्निक, वी विल डिस्कस दिस. नाउ कम टू द सेकेंड टेक्निक गिवन बाय द एफ डब्ल्यू टेलर, इट इज वर्क स्टडी. वर्क स्टडी वॉट वर्क स्टडी से इट एंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑल्सो गेटिंग बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू मस्ट बी नोइंग, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो विच एवर फैक्टर वी आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन, इट शुड गिव, वी शुड गेट बेस्ट फ्रॉम इट, मैक्सिमम फ्रॉम इट, एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट द मिनिमम कॉस्ट. देर इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क स्टडी. वर्क स्टडी में चार चीज़ें आती है, द फोर थिंग्स, फोर स्टडीज कम अंडर द वर्क स्टडी. फर्स्ट वन इज फटीक स्टडी, सेकेंड वन is method study, third one is time study, and last one is motion study. You can change the sequence, but all the four together is called as work study. See, कोई भी work में एक method होता है, motion होता है, कुछ time होता है, और काम करने के कारण tiredness आती है. Fatigue का मतलब होता है tiredness. तो
इस इन चारों के स्टडी के साथ ही हम वी आर डूइंग द वर्क स्टडी. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फटीक स्टडी. वॉट इज फटीक? फटीक इज कॉल्ड एज टायर्डनेस. वेन अ वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ही इज परफॉर्मिंग हिज जॉब, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू टायर्ड. सी, कोई भी सुपरमैन नहीं है कि पूरे टाइम काम करेगा बट वो टायर्ड नहीं होगा. ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टायर्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क और बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क और वी कैन से दैट आफ्टर डूइंग अ पीस ऑफ वर्क अ ह्यूमन इज गोइंग टू गेट टायर्ड. द वॉट ही इज सजेस्टिंग फॉर इट कि सी आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू. तो वॉट आई एम डूइंग इट आफ्टर पीरियोडिकली आई एम मेकिंग. एक घंटा मैंने बनाया और आधा घंटा. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैंने सुबह 9 बजे से शुरू किया और रात के 9 बजे तक मैंने पूरा लगातार आपके लिए सारे चैप्टर्स के वीडियो बना दिए. वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर मी? बिकॉज डेफिनेटली वाइल स्टैंडिंग हियर आई विल गेट टायर्ड, वाइल स्पीकिंग कंटिन्यूअसली आई विल गेट टायर्ड. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे आई एम गेटिंग टायर्ड फिजिकली एंड ऑल्सो मेंटली. हियर नॉट ओनली फिजिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल ऑल्सो, मेंटल हेल्थ ऑल्सो. समटाइम फिजिकली वी आर फिट बट मेंटली वी आर नॉट फीलिंग गुड. तो इन दैट केस ऑल्सो वी आर अनेबल टू वर्क, है ना. इवन दिस मेंटल वर्क जो आप पढ़ाई कर रहे हो, इसमें आप फिजिकली कितना भी फिट हो बट आपका दिमाग अगर रेडी नहीं होगा तो कोई कितने भी अच्छे से समझाएगा आपको, सब ऊपर से जाएगा. यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. तो वॉट द फटीक स्टडी इज सजेस्टिंग, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम किस किस चीज़ों की स्टडी करते हैं. फर्स्ट, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. सेकेंड वन इज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. एंड लास्ट वन इज द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. सी, इन फटीक स्टडी वी आर कंडक्टिंग द स्टडी अबाउट थ्री थिंग्स. फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने जल्दी जल्दी या कितने टाइम, कितने देर बाद हमें पर्टिकुलर पर्सन को रेस्ट देना है. सी, टायर्डनेस की बात आई तो रेस्ट की बात जरूर आएगी. जहाँ इंसान थकेगा वहाँ वो आराम करेगा. सेकंड, अगर आप उनको रेस्ट टाइम दे रहे हो तो कितने टाइम का होना चाहिए. क्या आप हर 5 मिनट बाद 1 घंटे का रेस्ट दोगे या हर 1 घंटे बाद आप 5 मिनट का रेस्ट दोगे. नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. अगर कोई एनी पर्सन इज वर्किंग फॉर 8 आवर्स एंड यू आर गिविंग हिम 5 ब्रेक्स, इन 8 आवर्स ही इज गेटिंग 5 ब्रेक्स, इज इट फिजिबल? मतलब ये पॉसिबल है कि आप दो, आप दे भी रहे तो ये क्या जरूरी है इतना ज़्यादा रेस्ट देना. इन स्कूल यू आर कमिंग एट अराउंड 7:40 और 7:50 एंड योर डिपार्चर टाइम इज अराउंड 1:30. इन बिटवीन दिस ड्यूरेशन यू आर गेटिंग 1 लंच ब्रेक, दैट इज ऑफ 20 मिनट्स. तो इज इट दैट विल बी ओके, ओके है ना. बट इफ आफ्टर कंडक्टिंग एवरी 40 मिनट पीरियड यू आर गेटिंग 10 मिनट्स ब्रेक, आपको तो बहुत खुशी हो जाएगी. बट द टाइम वेस्टेड, इवन योर एफिशिएंसी रिड्यूसेस. आपका जो एक बार मन लग गया पढ़ने का वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी. थोड़ी देर बाद ब्रेक मिलेगा. सी, जल्दी जल्दी ब्रेक्स भी नहीं देना है, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं देना है, और ऐसा नहीं कि ब्रेक्स ही नहीं दे रहे. तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होगी? ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशंस या अपनी इच्छा के अनुसार? नो, इट इज़ डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी. वॉट द वर्क इज पर्सन डूइंग? इफ अ वर्कर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री जहाँ बड़ी बड़ी मशीन से बहुत आवाज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, मशीन से चलती है, तो ठीक है, उसको ब्रेक की ज़्यादा ज़रूरत है? या अ पर्सन हु इज सिटिंग इन अ एसी ऑफिस ऑन द चेयर ऑल द टाइम, ही नीड्स अ ब्रेक. ब्रेक दोनों को चाहिए. वन इज़ डूइंग मेंटल वर्क, अदर वन इज़ डूइंग फिजिकल वर्क. ब्रेक दोनों को चाहिए, बट द ब्रेक ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ब्रेक्स आर डिफरेंट फ्रॉम देम अकॉर्डिंग टू द वर्किंग. डेफिनेटली नाउ कम टू दिस कि नंबर ऑफ ब्रेक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक
और ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक डिपेंड ऑन द टायर्डनेस सॉरी इन द वर्किंग ऑफ द पर्सन. वो क्या काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है. तो आई एम रीडिंग द पॉइंट विच इज़ गिवन इन योर बुक. अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर लॉन्ग टाइम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज ओनली नीड फॉर रेस्ट इंटरवल. अगर कोई भी बहुत देर तक काम करेगा डेफिनेटली दैट पर्सन नीड्स अ ब्रेक. Taylor suggested that the time period and frequency of the rest interval should not be decided by wish and experiences of manager. Wish मतलब इच्छा हो रही तो ब्रेक दे दिया ऐसा नहीं, और अपने एक्सपीरियंस कि पुराने में ऐसा होता था इसलिए ऐसा नहीं. बट गेट अ साइंटिफिक अप्रोच, एक प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए. फटिक स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड. उसके लिए फटिक स्टडी की जाती है. अब वर्कर को देखा वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने देर बाद वो थक जाता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सिर्फ एक वर्कर पे या दो वर्कर पे नहीं किया गया. सी सम आर स्ट्रॉन्ग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, सम आर नॉट दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग. कुछ बच्चे पूरे दिन का स्कूल जब यहाँ से जाते हैं छुट्टी में तब भी वो उतने ही एनर्जेटिक होते हैं जितने सुबह आते वक्त होते हैं, और कुछ सुबह उठ के आते तो भी उनमें कोई एनर्जी नहीं होती है. तो हमारा बॉडी टाइप अलग है, तो हमारी कैपेसिटी अलग अलग है. हम कोई जल्दी थकता है, कोई लेट थकता है. टू कंडक्ट फटिक स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर when he is performing a job and note down the time that worker start getting tired and when his efficiency level start decreasing. What he is saying, जब worker कोई काम करता है आप उसको study करो वो कितने घंटे के लिए काम कर रहा है और after what time he is getting tired, he needs rest. तो proper बहुत सारे workers पर जब ये study की जाती है तो एक on an average time निकाला जाता है, यहाँ इतने घंटे बाद on an average लोग थक जाते हैं, mostly लोग थक जाते हैं, तो they need break. सी जब हम टायर्ड होते हैं तो हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, ये आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग जब बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, थोड़ी देर ब्रेक लोगे, माइंड फ्रेश करके आओगे, एक चक्कर लगाओगे, फिर पढ़ना शुरू करोगे. द टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकम फ्रेश टू रिजॉइन द वर्क. ब्रेक दे दिया उसके बाद हाउ मच टाइम अ वर्कर इज नीड टू रिफ्रेश हिमसेल्फ. कई बार 10-15 मिनट का ब्रेक काफ़ी होता है, कई बार हमें ज़्यादा ब्रेक देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वर्क कितने देर में वो थक रहा है. सो ए फ्रिक्वेंसी एंड टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल इज फिक्स बाय ऑब्जर्विंग वर्कर डेफिनेटली इट विल बी मोर साइंटिफिक. हम सिर्फ अपने मन से ही डिसाइड नहीं करें बल्कि वी शुड वॉच द वर्कर्स हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग. अब वी हैव गिवन देम रेस्ट, 5 मिनट बैठेंगे थोड़ा रिलैक्स होंगे, दे विल ईट समथिंग, दे विल ड्रिंक वाटर, थोड़े देर बाद वो रिफ्रेश हो जाएंगे. तो ऑन एन एवरेज वर्कर्स को कितना टाइम लग रहा है रिफ्रेश होने में, तो ये एवरेज बेसिस पर निकाला जाता है. देन दे डिसाइड द अकॉर्डिंग टू विच दे डिसाइड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. पूरे 8 घंटों में उनको एक ब्रेक देना है, दो ब्रेक देना है, तीन ब्रेक देना है, एक बड़ा ब्रेक देना है या एक छोटा ब्रेक देना है. ड्यूरेशन छोटा ब्रेक कितने मिनट का होगा, 5 मिनट, 10 मिनट या 20-25 मिनट का, या बड़ा ब्रेक 1 घंटे का होगा या उससे ज़्यादा का. और फ्रीक्वेंसी कितने जल्दी जल्दी ब्रेक देना है. ओके नाउ इन दिस वन एग्जांपल इज गिवन इन योर बुक. इफ देयर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्क, वर्क की 3 शिफ्ट चल रही है किसी और कहीं पे, इफ आफ्टर 1 शिफ्ट वर्कर गेट टायर्ड ही कैन बी असिस्टेड फर्स्ट एंड असाइंड फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट शिफ्ट है सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक, सॉरी 4 बजे तक सपोज. दूसरी है शाम को 4 बजे लेकर रात को 12 बजे तक. अगली है रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक. तो इफ़ अ वर्कर इज़ गेटिंग टायर्ड आफ्टर 1 शिफ्ट तो उसको सेकेंड का ब्रेक दे दो. टेल के यू वर्क इन फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट. जब वो थर्ड शिफ्ट में काम करके जाएगा तो नेक्स्ट डे उसको मॉर्निंग की शिफ्ट आप नहीं दे सकते, फिर नेक्स्ट डे उसको सेकेंड शिफ्ट दो और अगले उसके बाद नेक्स्ट वाले दिन की फर्स्ट शिफ्ट दो. सो दैट ही विल बी रिफ्रेश एंड ही विल बी एबल टू डू हिज वर्क मोर एफिशिएंटली. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मैथड स्टडी. मैथड स्टडी इज अभी हमने जो फोरमैनशिप में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ को करने का एक मैथड है. मैथड स्टडी में हमको यही करना है, वी हैव टू फाइंड द बेस्ट मैथड ऑफ परफॉर्मिंग एनी जॉब. मैथड स्टडी, इन मैथड स्टडी वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट मैथड ऑफ परफॉर्मिंग एनी जॉब. So you must be knowing that for production of anything there are 2 methods. One is labor intensive
सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव या फिर यूज ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग. यू कैन यूज मशीन और यू कैन यूज लेबर और यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. समवेयर यू कैन यूज मशीन एंड समवेयर यू कैन यूज लेबर. तो विच इज द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द वर्क दैट यू हैव टू डिसाइड इन मेथड स्टडी. एंड फर्स्ट थिंग वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी टू कीपिंग सीओपी लेस डिक्रीज द सीओपी दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वी हैव टू कीप अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट मिनिमम एंड वी हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रखना है. कम से कम कॉस्ट में हमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है. तो फॉर दैट वी हैव टू डिसाइड विच मैथड इज मोस्ट सुटेबल विच मैथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन अवर प्रोडक्शन इन अवर कंपनी. सी इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर सजेस्टिंग लेबर इंटेंसिव मैथड. वाई? बिकॉज यूर लेबर फोर्स आर मोर. पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है. बट जिन कंट्रीज में लेबर नहीं है तो वॉट दे आर डूइंग दे आर यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव मैथड. दे आर यूजिंग मोस्ट मशीन्स फॉर द प्रोडक्शन. और वो सही भी है. हमारे यहाँ पे अगर हम सब कुछ कैपिटलाइज मतलब मशीन यूज़ करेंगे तो लेबर काम क्या करेगा. चार लोगों की जगह एक लेबर लगेगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर. आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है. द मैथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट मैथड और वे ऑफ प्रोडक्शन द जॉब परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन एट कॉस्ट मिनिमम. प्रोडक्शन कॉस्ट एट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. हमने हर जगह मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज किया और कॉस्ट को कम करने की ही बात करिए. तो ही इज सेइंग दैट आप कोई भी साइंस रूल ऑफ थंब बोला था ना मैंने आपको साइंस दैट हमने स्टडी पढ़ा था. मेथड ऑफ प्रोजेक्ट शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब. हिट ऑन मिस मेथड या रूल ऑफ थंब से हमें डिसाइड नहीं किया. एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करनी है कि लेबर को भी हमें पैसा देना है, मशीन्स के लिए भी हमें पैसा लगेगा. वी फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन्स वी नीड बिग कैपिटल. तो विच मैथड इज मोर सुटेबल फॉर द फॉर अवर कंपनी. हमें दोनों का एक प्रॉपर मैथड निकालना है. साइंटिफिक स्टडी करने के बाद डिसाइड करना है. सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूशन या माने की मशीन ही लगा रहे हैं या माने तो सिर्फ लेबर लगा रहे हैं, इट इज नॉट डन विथ इन दिस. यू हैव टू डिसाइड विथ प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी. टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देर आर सर्टन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर. कुछ पैरामीटर्स होते हैं जब हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं वहाँ से लेकर टिल द प्रोडक्ट इज डिलीवर. टेलर डेवलप द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाई यूजिंग मैथड स्टडी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथड स्टडी टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. इन दिस वन एग्जाम्पल इज गिवन. फॉर प्रोडक्शन ऑफ शू देयर मस्ट बी लेबर इंटेंसिव मैथड एंड मशीन इंटेंसिव मैथड. टू फाइंड विच इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट एवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर आप सोच रहे हो कि हमें शूज़ बनाने हैं तो लेबर लेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी लगेगी. एंड इफ़ यू आर ऑप्टेनिंग कैपिटल मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी. तो जो भी हमें कम लगेगी दैट मेथड वी शुड अप्लाई. दोनों को हमें कंपेयर करना है देन वी हैव टू अप्लाई वन मैथड. द मैथड विच इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट एंड एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज मस्ट बी सिलेक्टेड एज द बेस्ट मैथड. जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग रही है एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का दैट मैथड वी शुड अडॉप्ट फॉर द प्रोडक्शन. तो इन द फटिग स्टडी वी आर टॉकिंग अबाउट द टायर्डनेस ऑफ द वर्कर्स. दे नीड रेस्ट. हाउ मच इंटरवल्स नंबर ऑफ इंटरवल्स ड्यूरेशन ये सारी चीज़ें हमने देखी. एंड इन दिस मैथड स्टडी फॉर परफॉर्मिंग एनी जॉब देर आर सो मैनी मैथड्स एंड आउट ऑफ दैट मैथड वी हैव टू सिलेक्ट वन बेस्ट मैथड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क कैपिटल इंटेंसिव और मैथड. सी इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ जो क्लास में अक्सर देती हूँ. एंड एज हम लोग घर पर रहते तो हमारे एग्जाम्पल थोड़े होमली टाइप्स होते हैं. कि सपोज यू हैव डिसाइडेड टू मेक पिज्ज़ा एट होम. नहीं सपोज यू वॉन्ट टू ईट पिज्ज़ा. अगर हम बाहर से पिज्ज़ा खरीदते तो 200 कॉस्ट चाहे डोमिनोज का खरीदो. अब हमारे यहाँ तो है नहीं बट स्टिल इफ वी आर गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर पिज्ज़ा वॉट वी डू. हम या तो खरीदेंगे या तो घर पे बनाएंगे. तो अब आपका
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देखो कि अगर आप घर पे पिज्ज़ा बना रहे हो तो आपको कितने में पड़ेगा, और अगर आप बाहर से खरीद के ला रहे हो तो आपको कितने में पड़ेगा। आई थिंक इफ़ यू गो टू परचेज अ मीडियम साइज पिज़्ज़ा यू हैव टू द कॉस्ट विल बी 180, इजंट इट। और 180 रुपीज़ में आप एक पिज़्ज़ा लाओगे जो मुश्किल से चार पीस में कटेगा और एक जन का भी पेट नहीं भरेगा। तो सेकेंड क्या किया, आप अडॉप्ट किया, हमने घर पे बनाते हैं तो आपने पिज़्ज़ा बेस ले आया, चीज़ ले आया, सब्जियां ले आई, वॉट एवर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें कम लगी आपने उसका मेथड सिलेक्ट कर लिया कि हमें ऐसे बनाना है। तो दिस इज़ वैसे ये एग्जांपल, एक टेक्निक होती है बाय और टू प्रोड्यूस, कुछ चीज़ को हमें बाय करके लाना है या हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए है। बट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो मैथड क्या तरीका होना चाहिए उसमें भी सुटेबल है कि आप कौन सा मैथड यूज़ कर रहे हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टडी, दैट इज आवर टाइम स्टडी। दिस लिटिल बिट वी हैव डिस्कस अर्लियर, नाउ कम टू द टाइम स्टडी, वॉट दिस स्टडीज, हमें इस स्टडी में क्या करना है। नाउ इन द टाइम स्टडी वी हैव टेलर सजेस्टेड कंडक्ट एंड डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी। हियर आर सम पॉइंट्स ही हैज गिवन। फर्स्ट वन, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मिंग अ जॉब। पहले आपको ये देखना है कि किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। देन स्टैंडर्ड टारगेट्स, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको स्टैंडर्ड टारगेट सेट करना है। सी टारगेट अगर बहुत ज़्यादा हाई सेट करेंगे तो वर्कर्स विल नॉट बी एबल टू अचीव इट, और बहुत ज़्यादा लो अगर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज एंड एवरी ऑल रिसोर्सेज। देन नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू फिनिश अ जॉब, कोई भी काम को करने के लिए कितने लेबर्स चाहिए। आपने कॉस्ट कर्व पढ़ा होगा लास्ट टाइम पे, कॉस्ट प्रोडक्शन कर्व, सॉरी, लेबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, वो आइडल बैठे हुए हैं, किसी में लेबर्स कम पड़ रहे हैं ना, तो उसी टाइप का है कि नंबर ऑफ वर्कर्स किसी भी काम को करने के लिए हमें कितने लेबर्स की ज़रूरत है, हाउ मच वी रिक्वायर्ड। ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, सो दैट सम आर सिटिंग आइडल, एंड इट शुड नॉट बी लेस दैट दोज हु आर वर्किंग दे विल बी overburdened with the work. Then next one is categorizing the workers in efficient and inefficient. हमें workers को दो category में डालना है, one is efficient and second one is inefficient. Because efficient worker are capable of doing the work early and they are inefficient or unable to complete work on time. So according to them we have to set the targets, according to them we have to set the targets. Taylor suggested that time required to perform the job should not be decided by intuitions, will and wish of the manager. See, यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ में आपको यही कहा, we should not decide anything on the basis of our wish, our intuitions and हमारी will, हमारी इच्छा है, इसीलिए we should go and think scientifically, then only we have to decide anything. Time study must be conducted to determine the standard time specifically. Suppose here I am giving you one example. Suppose I am covering the book. This is my book and I have to put cover on this. Okay? So to cover this book, you must be knowing ki jo book hai, itni moti hai, us pe itna bada cover lagega, uska weight bhi depend karta hai. Hame handle karna hai na book ko. To kitna time mujhe isko cover karne ke liye lag raha hai. Okay? To jab main kaise bol dun, how can I say? It will take only 2 minutes. और इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स, मैंने जस्ट आपको बोल दिया 2 मिनट या 5 मिनट हो जाएगा, नो, फर्स्ट मेक द लेबर टू सेट एंड कवर द बुक। आप मुझे बोलो कि पहले आप कवर करो बुक को, मैंने आई हैव टेकन द शीट, मेजर्ड इट प्रॉपरली, फोल्डिंग इट, कटिंग इट एंड देन कवरिंग द बुक, फिर मुझे सही में पता चलेगा कि हाउ मच टाइम इट टेक्स। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस आई कैन नॉट से। मे बी कोई पतली बुक होगी तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, कोई ज़्यादा मोटी बुक होगी तो हमें प्रॉपर हैंडल करना पड़ेगा इसलिए तो, बट पहले वर्क को परफॉर्म करने दो, देन डिसाइड द टाइम, अपने आप से मत भूलो। टू कंडक्ट टाइम स्टडी टू ऑब्जर्व द एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब विथ अ स्टॉपवॉच इन हैंड एंड नोट डाउन द एवरेज टाइम टेकन बाय द वर्कर्स। उन्होंने कहा है कि पहले आप स्टॉपवॉच लगाओ और जब वर्कर काम कर रहे हैं तो नोटिस करो कि कितने टाइम में वो काम कर पा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज, सपोज I have given this job to you in class. If I would be in class, मैं definitely आपको ये काम देती, so that while doing practical you will be able to understand it more. सब लोग अपने पहले कॉपी के में कवर्स चढ़े हुए हैं सबके, पहले खोल लो, then now start covering your copy.
वैसे तो कवर प्रॉपरली कटाई हुआ है तो अब इट विल नॉट टेक मच टाइम, बट फिर भी कुछ टाइम लगेगा. तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगा, किसी ने 30 सेकेंड में किया, सम हैव कंप्लीटेड इन 1 मिनट, सम टेक्स 2 मिनट्स. नाउ सी इन दिस वाइल कवरिंग द बुक, सम हैव कवर्ड द बुक वेरी नाइसली, बिल्कुल भी उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कवर अच्छे से नहीं लगाया, प्रॉपरली कवर किया, बहुत ही नीट एंड क्लीन बुक दिख रही है. कुछ लोगों ने बस ज़बरदस्ती कवर लगा दिया है कि लगाने बोला था और कर दिया. दोज हु आर परफॉर्मिंग इट वेल दे विल बी कम अंडर एफिशिएंट, एंड दोज हु आर नॉट परफॉर्मिंग इट वेल दे विल कम अंडर इनएफिशिएंट. उनको स्पेशल टाइम और देना पड़ेगा कि प्रॉपर कवर करो, वो कटिंग प्रॉपर करो, बुक दिखनी नहीं चाहिए, कवर पूरा होना चाहिए, वॉट एवर इज. ओके, देन टेलर सजेस्टेड कि सिर्फ ये एक बार हमें नहीं करना है, इसको मिनिमम 100 टाइम्स हमको रिपीट करना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, कि बार बार ये काम आपको करने के बाद कितना टाइम लगता है. देन यू हैव टू डिसाइड द प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम फॉर रिक्वायर्ड. एक बार की स्टडी या दो बार की स्टडी में यू आर नॉट एबल टू डिसाइड द टाइम फॉर पर्टिकुलर थिंग. सी वन एग्जाम्पल आई कैन गिव, ऑल ओवर मतलब इन ऑल यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, इन ऑल स्कूल्स ऑल्सो, वी आर गिविंग यू 3 आवर्स फॉर द पेपर फॉर कंप्लीटिंग योर एग्जाम. 3 घंटे का टाइम होता है छोटे बच्चों के लिए, मे बी 2.5 आवर्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वी आर गेटिंग 3 आवर्स फॉर लॉन्ग आंसर्स ऑल्सो, फॉर न्यूमेरिकल ऑल्सो, फॉर शॉर्ट आंसर्स ऑल्सो, एवरीथिंग यू हैव टू फिनिश इन 3 आवर्स. तो ये 3 आवर्स किसने डिसाइड किए, यूनिवर्सिटी का मन किया, सीबीएसई बोर्ड का मन किया इसीलिए? नो, द प्रॉपर स्टडी टुक प्लेस कि दोज हु आर गिविंग एग्जाम्स. सी पेपर लिखते लिखते भी इंसान थकता है, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, तो दे हैव गिवन 3 आवर्स, तो इसकी भी प्रॉपर स्टडी हुई होगी, देन दे हैव डिसाइडेड. नाउ फिर हमने जब डिसाइड कर लिया कि इतना टाइम हमें एक वर्क के लिए लगता है, तो हमें डिसाइड करना है कि एक वर्कर को हमें कितना वर्क देना है, स्टैंडर्ड टारगेट क्या होना चाहिए. स्टैंडर्ड टारगेट भी उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, वो कितना काम कर पाता है. दिस टाइम शुड बी कंसिडर द एवरेज टाइम फॉर परफॉर्म द जॉब. कीपिंग दिस टाइम इन माइंड द टारगेट फॉर वर्कर शुड बी फिक्स्ड, एंड वर्कर हु आर एबल टू अचीव देयर टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम आर एवरेज वर्कर्स. हमने सपोज हमें 2 मिनट्स लगे, और जो लोग 2 मिनट्स में करने पर्टिकुलर बुक को कवर कर रहे हैं उनको हम स्टैंडर्ड वर्कर्स बोलेंगे, और जो 2 मिनट से पहले कंप्लीट कर रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है, और जो 2.5-3 मिनट लगा रहे हैं दे आर इनएफिशिएंट. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिसाइड द टारगेट्स. ठीक है, इफ द वर्कर इज एबल टू अचीव टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम देन ही इज एन एफिशिएंट वर्कर, एंड इफ द वर्कर फाइंड अचीव टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम देन ही इज अ इनएफिशिएंट. स्टैंडर्ड कौन होगा, जो 2 मिनट्स में कर रहा है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम था 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में कर रहा है, तो स्टैंडर्ड 1.5 कर रहा है, देन 3 कर रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा में कर रहा है और 2 से कम में कर रहा है. एफिशिएंट कब होगा, जब वो 2 से कम मिनट ले रहा है, और अगर 2 से ज़्यादा मिनट ले रहा है तो इनएफिशिएंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें पूरे टाइम स्टडी करनी है. ही सजेस्टेड द टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, देन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वर्कर्स किस तरह काम कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड टारगेट सेटअप होगा, कितने वर्कर्स हमें चाहिए. सपोज कहीं पे 4 लगेंगे जहाँ एफिशिएंट है वहाँ कम लगेंगे, जहाँ इनएफिशिएंट है वहाँ ज़्यादा लोग लग सकते हैं, एंड ये नंबर ऑफ वर्कर्स के बाद हम पूरा काम की टाइम स्टडी करें. तो टाइम स्टडी डेफिनेटली विल हेल्प इन, इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ वर्क स्टडी, पर्टिक स्टडी, मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी. नाउ नेक्स्ट इज मोशन स्टडी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी अंडर दिस. Now come to the most important study under the work study, that is called as the motion study. What is the meaning of motion? That means movements. A person, how many movements a person is making while performing a job. See, why the movements of motion is important? Because it make you tired, isn't it? Aap jitne, suppose again and again I have to bend down, I have to move 50 steps again and again. मैं जितने बार घूमू इधर से उधर जाऊंगी, जितने बार झुकूंगी, जितने बार खड़े होंगे, फिर अगेन मुझे बैंड होना है, फिर अगेन टर्न करना है, डेफिनेटली इट विल मेक मी टायर्ड एंड इट विल इफेक्ट माय एफिशिएंसी. तो फॉर दिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी, फर्स्ट वन डिटरमाइनिंग द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर. फर्स्ट यू हैव टू सी हाउ मच मूवमेंट्स अ वर्कर इज मेकिंग, हाउ मच मूवमेंट्स ही इज डूइंग व्हाइल परफॉर्मिंग एनी जॉब. ओके, नाउ कम टू सेकेंड,
देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. कई बार वो फालतू में ही नीचे झुक रहा है, कई बार वो फालतू में ही टर्न हो रहा है, कई बार वो फालतू में ही चक्कर लगा रहा है कुछ चीज़ मे बी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के कारण उसको जगह पर चीज़ नहीं मिल रही है ना. तो पहले यू हैव टू सी हाउ मच मूवमेंट्स अ वर्कर इज मेकिंग वाइल परफॉर्मिंग अ जॉब, देन डिटरमाइन कि कुछ प्रोडक्टिव थे कुछ अनप्रोडक्टिव थे. कुछ मूवमेंट्स वो फालतू में ही कर रहा है और फालतू में जो मूवमेंट्स कर रहा है उसके कारण वो थक रहा है. देन कट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. जैसे क्लास में कुछ बच्चों को वॉशरूम तक जाना है, सम आर जेन्युइनली वॉन्ट टू गो, और कुछ लोग सिर्फ चक्कर लगाने के लिए वहाँ तक घूम के आने के लिए जाते हैं. तो इफ़ आई वॉन्ट टू टेक इट नेगेटिवली तो मैं कहूँगी आपकी दे आर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, बट आई कैन टेक इट इन द पॉजिटिव वे कि मे बी इट विल रिफ्रेश यू, कि एक चक्कर लगा के आ गया, माइंड रिफ्रेश हो गया, क्लासरूम में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, बोर नहीं हो रहे थे, थक गए थे. नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, वी हैव टू कट डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, जिनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे मूवमेंट्स जिनको किए बिना भी हमारा काम पूरा हो सकता है, दैट वी हैव टू कट डाउन. देन नेक्स्ट टू डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट टू मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसके हमारे मूवमेंट्स कम हो जाए. सी इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, बट वन ऑफ द पर्सन हिज नेम इज फ्रैंक गैलीबर्थ. ही कंडक्टेड दिस स्टडी इन ब्रिक लेयरिंग. ब्रिक लेयरिंग मतलब जब मिस्त्री लोग ब्रिक्स लगाते हैं ना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. तो इन दैट ही हैड स्टडीड दे आर मेकिंग 18 मूवमेंट्स. उन लोग ब्रिक लेयरिंग के टाइम पे 18 मूवमेंट्स करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक स्टडी ही रिड्यूस्ड इट टू द 5. सी द डिफरेंस. 13 मूवमेंट्स जो थे वो अनप्रोडक्टिव थे और उसने उसको ख़त्म कर दिया. नो नीड ऑफ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. डेफिनेटली इट विल मेक यू टायर्ड एंड यूर एफिशेंसी विल रिड्यूस. सो विद द हेल्प ऑफ मोशन स्टडी डेफिनेटली अ वर्कर की स्ट्रेंथ बनी रहती है और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट से वो बच जाता है. नाउ द एग्जाम्पल विच आई वॉन्ट टू गिव यू कम टू द किचन अगेन. इफ सपोज डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर. सपोज आई एम कुकिंग समथिंग. सपोज आई एम कुकिंग एनी वेजिटेबल. हाउ मैनी मूवमेंट्स आई हैव टू मेक. फर्स्ट आई विल टेक आउट द वेजिटेबल फ्रॉम माई फ्रिज. आई विल टेक इट आउट. एंड इफ माई फ्रिज इज नॉट इन किचन, इट्स आउटसाइड द किचन इन सम अदर रूम और डाइनिंग रूम, आई हैव टू गो देयर, ओपन द फ्रिज, बेंड डाउन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स वी आर हैविंग वेजिटेबल ट्रे डाउन एट द डाउन साइड. एंड इसकी स्टडी भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स में आप आइस जहाँ जमाते हैं उस फ्रीज़र को नीचे किया गया और बाकी चीज़ों को ऊपर किया गया. इट डेफिनेटली वाई टू रिमूव आवर मूवमेंट्स. हम फ्रिज में से सब्जियाँ ज़्यादा निकालने के लिए निकालते हैं एज़ कम्पेयर टू आइस, तो इसलिए उन्होंने फ्रीज़र को ही नीचे कर दिया. आपको बैंड नहीं होना पड़ेगा, उन्होंने हमारा मूवमेंट कम किया. तो दिस टाइप ऑफ स्टडी हेल्प्स है ना. तो देन मैं फर्स्ट आई वेंट टू द फ्रिज, आई टुक आउट द वेजिटेबल्स, देन आई washed the vegetable. If the tap is not in the kitchen, again I have to go out, I have to wash vegetables, bring it inside, then I have to cut with knife or something. After cutting I have to keep pan on the gas. हाँ, अब suppose अब ये पूरी सब्जी बनाने में how much movements I made. मैं कितने बार किचन से बाहर गई, कितने बार पर्टिकुलर गैस के पास से मुझे टर्न होना पड़ा या मुझे मूव करना पड़ा. ठीक है, अगेन एंड अगेन हमने स्टैंडर्ड मोमेंट्स देखे. समटाइम इट हैपन कि कुछ मोमेंट्स तो मेरे प्रोडक्टिव थे, कुछ अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स कर दी. सपोज मुझे बैंगन की सब्जी बनानी थी. अब इन दैट ब्रिंजल मसाला ब्रिंजल आई हैव टू यूज अनियन गार्लिक जिंजर टमाटो. पहले मैं गई ब्रिंजल निकाले उसको धोया, फिर याद आया अरे मुझे इसमें टमाटर भी डालने, फिर मैं फ्रिज तक गई फिर टमाटर निकाले फिर उनको धोया, फिर याद आया अरे मिर्ची अदरक तो रह गया, फिर मैं गई फ्रिज में फिर मिर्ची निकाली अदरक निकाला सॉरी टमाटर निकाला उनको धोया, फिर याद आया कि अरे प्याज रह गई. इन सम ऑफ द रेफ्रिजरेटर सबसे नीचे फ्रिज के बाहर एक जहाँ स्टैंड होता है उसमें ट्रे आती जिसमें आलू प्याज रखे जाते हैं, तो मे बी मैं वहाँ गई फिर मैंने झुकी मैं फिर मैंने निकाला फिर उनको पील किया, देन फिर सब्जी बनी. सब्जी बनाते टाइम मैंने कढ़ाई ढूंढी कहाँ गई, फिर मसाले तेल का डब्बा उधर दूर रखा है वहाँ से लाया, देन आई हैव टुक माय ऑल द मसालास फ्रॉम समवेयर एल्स. हाउ मेनी मोमेंट्स आई मेड. देन अब
see, cooking vegetable is not one time job, isn't it? इट इज़ द फुल डे जॉब कि आपको किचन में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. इसलिए वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन एट द टाइम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कि हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इट्स यूज, और वो चीज़ वहीं होनी चाहिए. किचन में आपने एक हाथ नीचे डाला, प्लेटफॉर्म के नीचे आपको मसाला मिल गया, तेल मिल गया, तो सी आई डोंट हैव टू मूव अगेन एंड अगेन. अगर वो चीज़ वहाँ पर थी तो जो मेरे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं वो कैसे कम हुए? डिज़ाइन सुटेबल इक्विपमेंट. मैंने अपने किचन में ऐसे इक्विपमेंट लगा के रखे कि जो चीज़ मुझे खाना बनाते वक्त लगती है वो वहीं के वहीं रखी हुई है. इज़न्ट इट? कढ़ाई वहीं पे है, तेल वहीं पे है, सब्जी वहीं पे है, मसाले वहीं पे, रेफ्रिजरेटर वहीं पे, पानी का टैप वहीं पे. बार बार हैंड वॉश करते हैं हम खाना बनाने के पहले, खाना बनाते वक्त बार बार हमें हैंड वॉश करना पड़ता है. वहीं पे टैप है, वहीं पे हाथ रख पोछने के लिए कपड़ा रखा है. तो हमने इक्विपमेंट्स वैसे करके रखे कि हमारे मूवमेंट्स कम. इन द सेम वे ऑल्सो व्हेन अ पर्सन इज़ वर्किंग विद एनी मशीन, सबसे पहले कितने मूवमेंट्स कर रहा है वो देखो, उसके बाद डिफरेंशिएट प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव को, और अनप्रोडक्टिव को हमें हटाना है. वी हैव टू रिड्यूस ताकि वो थके और काम अच्छे से करें. अनप्रोडक्टिव मेथड को हम किस तरह हटा सकते हैं? डिजाइनिंग सुटेबल इक्विपमेंट टू मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. सपोज अ पर्सन इज वर्किंग ऑन मशीन, तो उस मशीन के रिलेटेड जो भी टूल्स उसको लगते हैं वो आप उसके पास में रख दो. सी इफ एनी इन एनी ऑफिस अ पर्सन, सपोज अवर प्रिंसिपल मैम इज सिटिंग इन एन ऑफिस, तो यह अगर आपने देखा होगा उनके टेबल के नीचे तीन ड्रावर्स है जहाँ पे उनको जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है वहीं पर रखी हुई है. ऐसा नहीं कि वो बार बार खड़ी होती है, ऊपर जाके फिर अपना पेन लेती हैं, वहाँ से कुछ लेंगी. तो विद इन अ रीच ही इज शी इज़ हैविंग एवरीथिंग विद इन अ रीच विच शी रिक्वायर्ड मोर फ्रीक्वेंटली. तो डेफिनेटली फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब द थिंग्स विच वी रिक्वायर्ड मोर फ्रीक्वेंटली इट शुड बी विद इन अ रीच. जितना हो सके आप हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा करो, आपको मिल जाए थोड़ा सा झुको मिल जाए, बार बार आपको उसके लिए मूवमेंट्स करने की जरूरत नहीं होगी. वी कैन ऑल्सो कंडक्ट अ प्रैक्टिकल ऑन दिस. इसके लिए भी हम बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कर सकते हैं. आप अपने घर में करके देखना, अगर बार बार मूवमेंट्स करने से थक रहे हो, एक जगह खड़े होकर खाना बना रहे तब थक रहे हो. ओके, तो नाउ दिस इज अबाउट द मोशन स्टडी इन विच वी आर डिटरमाइनिंग द मूवमेंट्स, डिफरेंशिएटिंग बट differentiate between the productive and unproductive, cut the unproductive movements, and for cutting we have to design a proper suitable equipment. And all these four study, that is your fatigue study, time study, motion study and method study is combined, wo ho jati hai aapki work study. So all these studies are suggested by F.W. Taylor on the basis of science. He always says that don't apply the rule of thumb or your wish, will or intuition in deciding anything. Give a scientific look and decide it on the basis of it. Definitely it will reduce your cost and it will contribute to the maximum utilization of the resources. In this video I am explaining only this techniques, these two techniques. In my next video we will go further with the rest of the three techniques. This इसमें बहुत ज़्यादा explanation था, समझने वाली बात ज़्यादा है. You go through it, read it from the book, then if you are having any doubts ask me. In my next video I will continue with the rest of the scientific techniques. Okay, that's all for today. Thank you.